गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसी है पढ़ाई लिखाई, कैसे चल रहा है? देखिए, बहुत ही तजुर्बे से पढ़ाई कीजिएगा। ये लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन में आपको आगे भविष्य बनाना है, इसीलिए बहुत ही कंसस रहिए। ये लॉकडाउन तो 10 साल के बाद कुछ नामो निशान नहीं रहेगा, पता भी नहीं रहेगा, लेकिन ज़रूरत है और आपको भविष्य 10 साल के बाद रहेगा। इसीलिए अपने पढ़ाई में कंटिन्यू बनाए रखिए और उम्मीद है जो निश्चित रूप से हम लोग ऑफलाइन में मुलाकात होंगे ही, लेकिन ध्यान रखें जो जितने में भी अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके बाद ऑफलाइन में क्लास लेंगे, समझ गए? इसीलिए ये यदि पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। रिलेशन का मतलब उस दोनों के बीच फार्मूला क्या होगा, जैसे ही रिलेशन कहा जाए तो उस दोनों के बीच फार्मूला क्या होगा। तो नॉर्मलिटी याद है जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? नॉर्मलिटी जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोलारिटी जो है नंबर ऑफ ग्राम मोल कह दीजिए या मोल कह दीजिए। तो इस दोनों के बीच रिलेशन यानी फार्मूला एस्टेब्लिश करना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कह दीजिए या सिर्फ मोल इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। ये बात हम लोग जानते हैं जो जब भी नंबर ऑफ मोल कहा जाए तो नंबर ऑफ मोल और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच रिलेशन होता है। यदि हम ऐसा कर दें ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए इतना ना लिख करके ये लिख रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में 1 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल या सिर्फ मोल दोनों बात सेम है, इसमें भी 1 लीटर से डिवाइड कर दीजिए और ये एन फैक्टर जो का त्यों छोड़ दीजिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको तो ही हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी, और इसका रिप्रेजेंटेशन एन से, और इसको कहते हैं मोलैरिटी और इसका रिप्रेजेंटेशन एम से, ये एन फैक्टर। तो यही फार्मूला मिल गया, यानी एन इक्वल टू एम इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर हम लोग एसिड बेस के केस में बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के केस में बात करेंगे, साल्ट के केस में बात करेंगे, अलग अलग केस में रहेगा, तो हम अलग अलग केस में अलग अलग तरह से रिलेट करेंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलें केस ऑफ एसिड का बात करें। केस ऑफ एसिड, यदि एसिड के केस में हम बात करेंगे तो उस सिचुएशन में हम लोग फार्मूला जो है उस फार्मूला में एन फैक्टर की जगह क्या रखिएगा, बेसिसिटी और प्रोटोसिटी और न्यूट्रलाइजेबल एच एटम। ठीक, तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख दें जो नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर की जगह अब समझ गए जो बेसी सीटी होगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अगेन रिव्यू कर लेते हैं एसिड। ठीक, बेसी सीटी और रिलेशन बिटवीन एम एंड एन, इसके बीच रिलेशन। तो सभी एसिड को हम लोग पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो चलिए देख लीजिए, एसिड यानी कम से कम इतना एसिड को याद रखना है,
जो बेस सी टी वन और बेस सी टी वन तो मोनो बेसिक। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए n बराबर m और बेस सी टी वन, तो इसका मतलब यदि मोनो बेसिक होगा तो उस केस में n और m दोनों बराबर होगा। इसी तरह से H2SO4, H2C2O4, H3PO3 डाई बेसिक है और n बराबर 2m। यानी ये हम लोगों को कुछ जो आपको एसिड समझाए उस एसिड को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट केस, केस ऑफ बेस, बेस के केस में एम फैक्टर हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी। अब ये बेस, कुछ बेस आपको याद रखना पड़ेगा, NaOH, KOH, NH3, इसका एसिडिटी 1 होता है, जिसको हम लोग मोनो एसिडी कहेंगे। एन बराबर एम, एन बराबर एम कैसे आया ये बात समझे कि नहीं, एसिडिटी के जगह कितना हम रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो इसी तरह से कुछ ये जो बेस है, ये बेस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑफ इतना 9.8% W/W H2SO4 सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर ml। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें और उसके बाद ट्राई करें, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बना लिए हैं, अब देखिएगा सॉल्यूशन को तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। आधे घंटा समय दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मलिटी बराबर 10 dx/E, ये एक रेडीमेड फार्मूला है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू 10, डेंसिटी कितना 1.8 और x 9.8, ई क्या है इक्विवेलेंट वेट, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49। अब ये कैंसिल कर दीजिए, नीचे ला लीजिए 2 0, क्यों दोनों डेसिमल का, तो ये खत्म हो गया। अब 2 टाइम्स में, ठीक, ये कैंसिल कर दीजिए, अब ये कैंसिल कीजिएगा तो कितना 3.6 n आ जाएगा नॉर्मलिटी। देखिए आया कि नहीं आया, ये नॉर्मलिटी 3.6 आया। अब हम चाहें तो फार्मूला लगा करके मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। मोलरिटी का भी फार्मूला हम जानते हैं, 10 dx/W, जहां पे W मॉलिकुलर वेट है। लेकिन आपको हम यहां अभी समझा रहे हैं रिलेशन, इसलिए रिलेशन से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं H2SO4 का जो बेस एसिडिटी होगा वे कितना होगा, बेस एसिडिटी बाबू, तो 2, कम से कम H2SO4 का और H3PO4 का, दोनों का निश्चित रूप से याद रखिए। तो n बराबर m इंटू n फैक्टर, ठीक, तो यही ना n फैक्टर है, ये जो 2 कहे हैं इसी को हम लोग क्या कहे हैं, n फैक्टर। तो n फैक्टर मालूम है, मोलरिटी हमको निकालना है, नॉर्मलिटी दे दिया गया, तो मोलरिटी बराबर n बाय n फैक्टर कहिएगा, तो n कितना 3.6 और ये 2, इसीलिए 1. कितना 8 m मोलरिटी। अब चाहे तो इस पे भी बनाइएगा, वही आंसर आएगा। तो इस रिलेशन से हम लोगों को थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन से बच जाते हैं, बस इतना ही बेनिफिट है, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को बनता है कि नहीं बनता है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.6 mKmnO4 इन एसिडिक सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट, नॉर्मलिटी फाइंड करना है KmnO4 का, कौन सा मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो याद है KmnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा और ये +7 है, इसलिए n फैक्टर यदि बात करेंगे तो 7-2 यानी 5 आ गया। तो हमको निकालना है नॉर्मलिटी, तो यहां नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल कहेंगे, यही ना n फैक्टर है। तो
मोलारिटी तो दे दिया गया है 0.6 और एन फैक्टर कितना 5, इसीलिए आंसर कितना 3। तो इस तरह से अब हम लोग एन फैक्टर यदि हम लोगों को मिल जाए तो आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? एक और सवाल ले लेते हैं, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चलिए नेक्स्ट सवाल नोट कीजिए। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 mNa3PO4 सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाइए। चलिए आप देखिए, तो यदि हम लोगों को नॉर्मलिटी पूछ दिया गया तो सबसे पहले एन फैक्टर फाइंड करना होगा। तो Na3PO4 में एन फैक्टर, यहां -3 तो ये +3 हो जाएगा, यानी एन फैक्टर ये एक साल्ट है। ये क्या है, ये साल्ट है, और साल्ट में जो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वही एन फैक्टर हो जाएगा। तो एन फैक्टर जो होगा यहाँ पे वे कितना 3, और जब एन फैक्टर 3 आ गया तब तो सवाल बन गया। हम लोग जानते हैं जो एन बराबर एम इंटू एन फैक्टर होता है, तो m का वैल्यू 0.2 है और n फैक्टर 3 मिला, इसीलिए 0.6। मतलब अब आप नॉर्मलिटी से मोलारिटी जब भी चेंज करें तो ये समझे जो n फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, और जितने भी केस संभव था वे सब का सब केस हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नॉर्मलिटी और मोलारिटी से रिलेटेड है वे ले लेते हैं, और ये प्रॉब्लम के हेल्प से लेते हैं ताकि प्रॉब्लम भी समझ में आ जाए। तो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ H+ ion इन नॉर्मलिटी ऑफ H+ ion इन 0.6 mH2SO4 सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी नहीं, पहले मोलारिटी लेते हैं, पहले मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ H+ ion इन 0.6 mH2SO4 सॉल्यूशन। पहले आप लोग अपने से ट्राई कीजिए तो देखिए तो बनता है कि नहीं। चलिए देखिए अब ये सवाल कैसा है। जैसे ही हम लोगों से कह दिया गया है जो मोलारिटी किसका निकालिए, H+ ion का, इसका मतलब ये H2SO4 टूटता होगा। अब H2SO4 कैसे टूटेगा ये ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स के आधार पर निर्णय लेंगे। तो SO4 अपने आप में एक रेडिकल है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। 2-, जब इस पे 2- तो ये 2+। H अपने आप में एक सिंबल है, तो H, और यहाँ पे 2+ है, तो जब 2+ है तो एक H पे क्या होगा, 1+ होगा। तो इस तरह से 2, ये कितने मोल, 1 मोल, ये कितने मोल, 1 मोल, लेकिन ये कितने मोल, तो 2 मोल। ठीक, अब ये जो इतना MH2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें हमसे कह दिया गया जो बताइए H+ का मोलारिटी क्या होगा, तो 0.6 mH2SO4, इसका मतलब क्या हुआ ये बात समझिए। तो इसका मतलब हुआ जो मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू 0.6 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर और 1000 ml। ठीक, तो ये मोल ऑफ H2SO4 0.6, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। तो जब 1 मोल H2SO4 है तो उस समय 2 मोल H+ है, तो यदि हम यहाँ पे 6 मोल H2SO4 0.6 मोल H2SO4 लेंगे
तो ये 1.2 मोल हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ज्यों का त्यों है, समझ रहे हैं बात को, 1 लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में 1.2 मोल एच प्लस। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो मोलरिटी ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू 1.2 एम हो जाएगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, जो मोलरिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले ये तोड़ दिए, तोड़ने का आधार SO4 पर हम जानते हैं जो -2, ये हमको याद रखना पड़ेगा। और जब इस पर -2 तो ये +2, अब जैसे ही टूटा तो यहाँ पे H प्लस, यानी ये तो दो हाइड्रोजन पर में 2+ है और एक पर H प्लस। अब हम कह दिए जो ये 1 मोल है और वहां पे ये 2 मोल है। अब फिर ये कॉन्सेप्ट से समझे, जो 0.6 mH2SO4 इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये पता चला जो H2SO4 कितना मोल है, 0.6 मोल। तो 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस मिल रहा है, तो 0.6 से 1.2 मोल मिलेगा। अब इतना मोल कितना लीटर में है, 1 लीटर में, इसलिए हम कह दिए जो मोलरिटी कितना होगा, 1.2 होगा। अब इसी बात को इतना ना समझ करके एक आपको रेडीमेड फार्मूला बना देते हैं, उससे आप सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब एक अगेन फार्मूला जो कि रेडीमेड फार्मूला है, समझिए इस बात को, फार्मूला भी समझा हुआ होना चाहिए। मोलरिटी ऑफ आयन, कोई भी आयन चाहे कैटायन हो या एनायन, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन का मोलरिटी है, इन टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट आयन। इसका मतलब ये तोड़ना तो पड़ेगा ही, यानी ये जो तोड़ने का कॉन्सेप्ट है ये आना चाहिए। अब यदि हम कहेंगे मोलरिटी ऑफ एच प्लस, कहेंगे तो मोलरिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना, 0.6 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट आयन कितना, तो 2, यानी 1. कितना, 2। तो ये फार्मूला आपको रेडीमेड फार्मूला हो गया, इस फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए पहले सवाल को नोट कीजिए, और नोट करके यानी वीडियो को पॉज करके अपने से पहले ट्राई करें और उसके बाद देखें। देखिए आपके सामने हम नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं जो आप चीटिंग करें, आप अपने ऊपर ईमानदारी बरतें। यदि जीवन में कुछ करना है तो खुद को गार्जियन समझें और खुद को स्टूडेंट समझें ऑनलाइन पढ़ते समय, देखिए आप में बहुत हाईली इम्प्रूवमेंट होगा। और ये नहीं जो एस्केप करके आगे बढ़ा दीजिए, आप अपने को देखिए नहीं, तो ये चीटिंग है और मेरे लिए विश्वासघात है, ठीक है। तो चलिए स्टॉप कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ Na+ आयन, यानी Na+ आयन का मोलरिटी निकालना है। इफ इतना मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4 इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तो दे दिया गया इतने मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो रहा है इतना ml सॉल्यूशन में, और मोलरिटी Na+, तो सबसे पहले हम मोलरिटी Na2SO4 का निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 याद है, गिवन पार्टिकल अपॉन इतना, तो गिवन पार्टिकल मेरा इतना है और डिवाइड करेंगे इतना से, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल का टर्म है। तो ये कैंसिल, यानी कितने टाइम्स में, तो ये 2 टाइम्स में, यानी 2 मोल हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब ये नंबर ऑफ मोल कितना ml में है, तो 200 ml में। अब चाहें तो फार्मूला फिर अप्लाई कर दें, जो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट याद आ रहा है, और इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना कहे थे, इन किस में ml कह दीजिए, cc कह दीजिए।
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना रहा बाबू, 2 into 1000। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 200। अब ये कैंसिल, यानी मोलारिटी कितना आ गया, 10 एम आ गया। ये मोलारिटी किसका आया, तो ये मोलारिटी आ गया Na2SO4 का। निकालना किसका है, तो Na प्लस का। फार्मूला आपको क्या सिखाए, यदि हम लोग मोलारिटी मोलारिटी ऑफ Na प्लस निकालना हो, तो ध्यान दीजिए क्या कहे हैं, ओरिजिनल मोलारिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का मेरा 10 आ गया, और डिवाइडेड बाय नंबर, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आयन, तो नंबर ऑफ आयन का हिसाब किताब तो करना होगा। तो देखिए Na2SO4 जब टूटेगा तो 2Na प्लस और SO4 डबल माइनस, समझ रहे हैं बात को, क्यों, क्योंकि ये 2 माइनस तो ये 2 प्लस, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल जो हो गया ये कितना मोल हो गया, 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 20 एम आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम लोग किसी आयन का मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इन केस ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के केस में यदि बात करेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस जो दिया गया रहेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस। समझे बात को, नहीं समझे, यानी यों कहिए जो नॉर्मलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ आयन। समझे बात को, यानी उसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा था, इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। सवाल से क्लियर होगा, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को लीजिए, पहले अपने से कुछ ट्राई कीजिए, कुछ समझे हैं तो इसके बाद हम बनाते हैं, ट्राई कर लिए। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ एच प्लस एंड SO4 माइनस इन इतना N2SO4। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, यानी नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू आपको 0. कितना मिला है, 4। तो देयरफॉर हम कहेंगे नॉर्मलिटी ऑफ एच प्लस कहा जाए तब पर भी 0.4, नॉर्मलिटी ऑफ SO4 कहा जाए तब पर भी 0.4। यानी नॉर्मलिटी के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं, जितना नॉर्मलिटी उस सॉल्यूट का है उतना ही नॉर्मलिटी उसमें जितने भी सबस्टांस होगा उस सभी का नॉर्मलिटी रहेगा। क्लियर है, यानी सभी का नॉर्मलिटी सेम रहेगा। तो ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मोलारिटी के केस में देख लिए हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए तो ये सवाल लेते हैं, जो अभी कॉन्सेप्ट समझाए उस पर पहले आप पॉज करके नोट कर लें, और नोट करके अपने से पहले ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद तब आप देखें, ठीक है। ईमानदारी से, ईमानदारी नहीं करेंगे तो मेरा अच्छा स्टूडेंट नहीं है। पॉज कीजिए, कर रहे हैं, ठीक। चलिए आप देख लेते हैं, हाउ मच BaCl2 वुड बी नीडेड टू मेक इतना ml ऑफ 250 है, 250 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl- एज वन कंटेनिंग इतना ग्राम 3.78 ग्राम NaCl पर 100 ml मॉलिकुलर वेट BaCl2 का दे दिया गया 208 ग्राम पर मोल। तो आपसे पूछ दिया गया, जो बताइए जो वेट ऑफ BaCl2 इक्वल टू व्हाट, किसके लिए, टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसका 250 ml में बनाना है, हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए जितना कि 3.78 ग्राम NaCl 100 ml
सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, यानी 3.78 ग्राम NaCl को डिजॉल्व किया गया 100 ml में, और जितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब या तो आप नॉर्मलिटी से बात करें या मोलरिटी से जिसमें बात करें, तो इतना कंसंट्रेशन यदि 100 ml में इतना ग्राम डिजॉल्व किए तो जो कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन BaCl2 का कितना ग्राम डिजॉल्व किया जाए 250 ml में, जो कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो अभी तो दो कंसेप्ट आपको सिखाए, एक मोलारिटी और दूसरा नॉर्मलिटी। हमको लगता है जो नॉर्मलिटी से बनाना बहुत अच्छा होगा, इसीलिए हम बात करते हैं नॉर्मलिटी से। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी, तो चलिए नॉर्मलिटी से यदि हम बात करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, तो नॉर्मलिटी ऑफ Cl माइनस, जैसे BaCl2 को जब तोड़िएगा तो Ba प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो हम कह दें जो नॉर्मलिटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ Cl माइनस, यही ना सीखे हैं, जो एक रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट होगा सभी का नॉर्मलिटी बराबर होगा। इसी तरह से NaCl के बारे में सोचना होगा, जो NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, अब कहेंगे नॉर्मलिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ Cl माइनस। ठीक, तो यदि अब क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है 250 ml में कितना ग्राम आप BaCl2 डालिएगा ताकि 100 ml में 3.78 ग्राम NaCl डालने के बाद जो कंसंट्रेशन है वे सेम होना चाहिए। तो यहां पे फ्रॉम हम कहेंगे क्वेश्चन से, अब मेरे पास तो स्पेस कम बढ़ते जा रहा है, इसीलिए देखिए फ्रॉम क्वेश्चन से हम कहेंगे, नहीं पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके जो है सो नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अब कहेंगे, अब तो मेरे पास स्पेस हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज सेम इन NaCl एंड BaCl2, दोनों ही केस में कंसंट्रेशन सेम है, और जब कंसंट्रेशन सेम है तो नॉर्मलिटी ऑफ Cl- इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ BaCl2, समझे बात है। तो इसका मतलब ये और ये यानी दोनों बराबर हो गया, तो अब हम कहेंगे देयरफॉर कह सकते हैं जो नॉर्मलिटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ NaCl। ठीक, अब इसका नॉर्मलिटी निकालने के लिए फार्मूला तो हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं, जो वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, फिर वैसा ही बात कीजिए वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब वेट ये तो हमको निकालना ही है, तो x कर देते हैं 1000,
और ये जो इक्विवेलेंट वेट है वे, तो चलिए इक्विवेलेंट वेट BaCl2 का निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट BaCl2 का निकालिएगा तो देखिए आप लोग जो BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना 208। और यदि BaCl2 का बात करेंगे तो यहाँ माइनस टू तो यहाँ पे प्लस टू, यानी n फैक्टर कितना आ गया बाबू 2, तो 208 बाई 2 यानी 104। तो चलिए हमको ये भी मिल गया 104। अब वॉल्यूम दिया हुआ है आपका देख लीजिए 250 ml, फिर ये वेट दिया हुआ है। देखिए तो सवाल में कितना हम लिखा दिए हैं, तो दिखाए हुए थे 3.78 है ना, 3.78 इंटू 1000। इक्विवेलेंट वेट NaCl का भी निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट NaCl यदि कहेंगे तो माइनस वन तो प्लस वन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5, तो इक्विवेलेंट वेट तो उतना ही रह जाएगा, यानी कितना 58.5 हम लोगों को NaCl का क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो 58.5, अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ था अरे हाँ 100 ml दिया हुआ था, तो चलिए 100 ml। अब ये तो पूरे का पूरे कट गया, ये भी थोड़ा सा कट गया। अब उम्मीद है जो x बराबर अब आपको सॉल्यूशन करके आ जाना चाहिए, यदि आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 16.8 ग्राम आ जाएगा, क्लियर है। तो इसी तरह से मोलरिटी के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, सिर्फ मोलरिटी का कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं। देखिए BaCl2 के केस में Cl का मोलरिटी निकाल लीजिएगा और NaCl के केस में भी मोलरिटी निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार दोनों का मोलरिटी क्या है, सेम है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एक मेथड पर कमांड होना चाहिए, उम्मीद है जो अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए आपका वीडियो छोटा रहे, आप किसी दूसरे समय में भी देख सके, इसलिए हम फिर अभी इस वीडियो को कटअप करके फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू वीडियो, जो कि इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए